लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये इस तरीके से ऊपर हो जाता है। मेरी पांच जो उंगलियां है, इतना जो स्पेस है वो बच जाता है। ओके, और ये इस तरह से, मतलब यहाँ पर झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपका। ठीक है, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू 2022 किया की करेंस। इसको ऑफिशियली इंडिया में कल लॉन्च किया जाएगा, यानी इसकी जो प्राइसिंग है वो कल आने वाली है, लेकिन आज इसका मैं डिटेल रिव्यू करूंगा। ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट लग्जरी प्लस डीजल इंजन के साथ ये मॉडल आ जाता है। 7-speed DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसका आज मैं रिव्यू करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, इसका इंटीरियर कितना कंफर्टेबल है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, ये है ऑल न्यू किया की करेंस। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इंपीरियल ब्लू ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, और ये है लग्जरी प्लस वेरियंट। हालांकि किया करेंस को 5 अलग वेरियंट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो बेस वेरियंट आता है उसका नाम है प्रीमियम, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है जो कि आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है लग्जरी प्लस। वही अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सेल्टॉस वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का भी इस्तेमाल किया हुआ है, और ये जो मॉडल है ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन DCT ट्रांसमिशन के साथ ये आता है। इसका जो फ्रंट का फीचर है ये कम्प्लीटली नया है, अगर आप इसको सेल्टॉस के साथ कंपेयर करोगे। यहाँ पर आप सेल्टॉस देख सकते हैं और यहाँ पर किया की करेंस देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा वो इसके फ्रंट के ग्रिल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली बहुत सारे कारों के अंदर आपने ग्रिल्स ओपन फॉर्मेट में देखी होगी, लेकिन किया करेंस के अंदर इसके फ्रंट के ग्रिल्स आपको क्लोज फॉर्मेट के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके ग्रिल्स के ऊपर कंप्लीटली पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है, जो कि दिखने में थोड़ी सी कूल लगती है, और इसका जो फ्रंट का डिजाइन है ये थोड़ा सा यूनिक लगता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बायफंक्शनल LED DRL का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिकेटर का भी काम करता है और DRL का भी काम करता है, जिसका डिजाइन भी काफी ज्यादा यूनिक रखा हुआ है। DRL के नीचे आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको LED फॉग लाइट का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहां पर आपको 3 अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे फॉग लाइट के ऊपर, मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में जो फॉग लाइट आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्प्लिट फॉग लाइट का सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्रोम की फिनिशिंग देख सकते हैं, जो कि दिखने में थोड़ी सी कूल लगती है, और इसके जो रेडिएटर के ग्रिल्स है यहाँ पर आपको ओपन वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी यही वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ओपन मिलने वाला है। इसके फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, जो कि सेफ्टी सबसे बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी किया की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। इसका एक बार मैं आपको साइड लुक दिखा देता हूँ, तो यह है कंप्लीट इसका साइड लुक। 4.5 मीटर की इसकी टोटल लेंथ है, और सेगमेंट में इसके अंदर आपको सबसे बड़ा व्हील बेस देखने को मिल जाएगा, जो कि है 2780 mm का। अर्टिगा के अंदर आपको लगभग 2750 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा के अंदर भी आपको इससे छोटा व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको व्हील बेस थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला है, उसकी मदद से इसके इंटीरियर में आपको स्पेसिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं व्हील्स के बारे में। इसके अंदर आपको 16 और 15 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे। अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जाओगे तो उसके अंदर आपको 16 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। यहाँ पर यह है कंप्लीटली इसका साइड का प्रोफाइल। विंडो के नीचे यहाँ पर आपको क्रोम का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके डोर हैंडल के ऊपर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। इसके जो ORVM है वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाते हैं, तो ये भी फीचर इसके अंदर ऑफर किया हुआ है, और बॉडी कलर के साथ इसके ORVM आ जाते हैं, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। रूफ रेल भी इसके अंदर दिया जाता है। इसका ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर के ऊपर आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलने वाली है। इसके अलावा जो थर्ड रो है, थर्ड रो के ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ी सी विंडो मिलने वाली है। जब भी आप इसके अंदर ट्रैवल करोगे तो मतलब बाहर देखने के लिए यहाँ पर छोटी सी विंडो दी गई है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है। और यहाँ पर ये जो विंडो है, ये इसकी जो लेंथ है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, तो ये है इसका इंटीरियर, और यहाँ पर पीछे भी आपको इनफसी स्पेस देखने को मिल जाएगी। थोड़ी देर में हम सब कुछ चेकआउट करेंगे कि इसके इंटीरियर में कितनी स्पेस दी जाती है, बट एक बार इसका साइड प्रोफाइल आप एक बार देख लेना। तो यह कंप्लीटली इसका साइड का प्रोफाइल। साइड से दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है, और यहाँ पर रियर का फीचर भी इसका काफ़ी कमाल का है। इसके अंदर आपको LED टेलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। हालांकि इंडिकेटर भी आपको LED मिलने वाले हैं, और यह कंप्लीटली इसका LED टेलाइट का सेटअप। इसके अंदर Sharkfin 19 ऑफर किया जाता है, रूफ माउंटेड स्पॉइलर विद हाई LED स्टॉप लाइट। इसके अलावा रियर में वाइपर भी ऑफर किया हुआ है। करेंस की बैजिंग आप देख सकते हैं रियर में, और यहाँ पर आप 7 DCT की ब्रांडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये कार आती है 7-speed DCT गियरबॉक्स के साथ, तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई।
गई है। इसके अलावा इसके रियर में भी आपको क्रोम फिनिशिंग की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी, मतलब ये जो पार्ट है ना क्रोम फिनिशिंग का, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। और इसका जो डिज़ाइन है ये भी दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है। अगर आप इसको अर्टिगा के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब ये अर्टिगा से कई गुना ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर आपको अच्छी लुक वाली कार चाहिए, लाइक नए डिज़ाइन के साथ कार चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। कल इसके प्राइजेस अनाउंस होने वाले हैं, उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको सिंपली सेकेंड रो दिखा देता हूँ, सेकेंड रो के ऊपर कितनी स्पेसिंग मिलती है। इसके अलावा थर्ड रो पर भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर कितनी स्पेसिंग मिलती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर बैठने से पहले यहाँ पर मैं सेकेंड रो का डोर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लेदर की फिनिशिंग दी गई है, स्टिचेस भी आप देख सकते हैं, स्टिचेस भी विजिबल है, और यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको दो बॉटल को रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। इस कार के अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस भी देखने को मिल जाएगी, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आगे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी गई है, डोर अनलॉक के ऊपर भी आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिलने वाली है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये आपको डैशबोर्ड के उधर भी देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम इसके अंदर यूज किए हुए हैं, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। विंडो को अप डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलने वाला है, हालांकि बाकी के बटन यहाँ पर नहीं दिए गए। और यहाँ पर हाथ रखने के लिए आपको छोटा सा आर्मरेस्ट या फिर आप इसको हैंडल भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आपको लेदर की रैपिंग देखने को मिल जाएगी। तो यह है कंप्लीटली इसका सेकंड रो वाला डोर। अब बात करते हैं इसके सेकंड रो के बारे में। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, किया की करेंट 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ जाती है। ये 6 सीटर वाला मॉडल आप देख रहे हैं। सेकंड रो के ऊपर आपको दो कैप्टन सीट्स मिलने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो सीट है सेकंड रो वाला, वन टच की मदद से आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर एक बटन दिया है, आपको सिंपली इस बटन को प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, और और ये इस तरह से अनफोल्ड हो जाता है, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पर तक आ जाती है। और यहाँ पर थर्ड रो तक जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इतनी सारी स्पेसिंग बच जाती है अंदर तक जाने के लिए। बहुत सारी कारों के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक आ जाता है, लेकिन थर्ड रो के ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है किया कंपनी ने, तो यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट देना चाहूँगा। यहाँ पर थर्ड रो के ऊपर जाने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सिर्फ वन टच बटन की मदद से आप सेकेंड रो के सीट्स को अनफोल्ड कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। इसको फोल्ड करने के लिए सिंपली आपको ऐसे रखना है और इसको सिंपली पीछे करना है। अब यहाँ पर इसकी जो अलाइनमेंट अगर आपको डिक्रीज करनी है तो यहाँ पर सिंपली आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, इसको आगे ले कर सकते हैं, इसके अलावा पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा नॉब मिलने वाला है। तो गाइस मैं बैठा हूँ कैप्टन सीट्स के ऊपर, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, मतलब आपको अच्छी खासी लेग रूम देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग जर्नी के लिए कम्फर्टेबल बिल्कुल ये कार है, और इसके इंटीरियर में आपको अच्छी खासी स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये मैं पीछे भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं मतलब सो भी सकता हूँ, और इसको मुझे आगे करना है तो सिंपली यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने अभी आपको बटन दिखा दिया है, उसकी मदद से आप इसको पीछे या फिर आगे कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पर मैं इसके अंदर सो भी सकता हूँ और अच्छे खासे मजे भी ले सकता हूँ। एक बार मैं आपको लेग स्पेस दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो पैर है वो ऊपर तक आ जाते हैं, बट स्टिल मेरी नी यहाँ पर सीट तक मतलब नहीं पहुँच पाती, तो इतना सारा स्पेस मुझे मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे किया कि करेंट के अंदर लेग रूम इनफ मिल जाता है इसके अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये इस तरीके से ऊपर हो जाता है, तो ये बढ़िया फीचर आपको किया कि करेंट के अंदर ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर आप अपना पेन वगैरह रख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन साइन वगैरह करनी है तो वो भी आप अपनी कार के अंदर बैठकर कर सकते हैं। खाना खाना है तो आप खाना भी खा सकते हैं, यहाँ पर टिफिन रख सकते हैं, बॉटल रखने के लिए तो इनफ स्पेस नहीं है, पानी का ग्लास यहाँ पर आप बिल्कुल रख सकते हैं आराम से, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी बात है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये यूटिलाइज किया है किया कंपनी ने। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, यानी इसके जो एसी की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी कारों के अंदर एसी की प्लेसमेंट यहाँ पर की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एसी वैन की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है। हालांकि इनोवा क्रिस्टा के अंदर भी जो एसी की प्लेसमेंट है वो ऊपर करी गई है, तो ये एक चीज है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिलने वाली है, जब मैं कार को ऑन करूंगा तो ये स्क्रीन मतलब मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैंने मैम को बोला है कि कार को ऑन करने के लिए, क्योंकि ये वाली चीज आपको दिखाने के लिए कार को ऑन करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं वो किसी और को बुला रहे हैं कार को ऑन करने के लिए। एक्चुअली इसकी जो बैटरी है ना वो चार्जिंग हो रही है, तो उसकी वजह से इसको ये करना है। लाइक इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते यार, बिल्कुल भी नहीं करते लाइक और सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैम कर रही है कार को स्टार्ट, मतलब वो कुछ कनेक्शन किया हुआ है,
तो वो डिसेबल कर रही है कनेक्शन, वो कनेक्शन डिसेबल होने के बाद यहाँ से कार को स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी मदद से मैं बाकी की फीचर्स आपको दिखा सकूंगा। तो यहाँ पर कब मैं कार को ऑन कर सकता हूँ, मुझे वो वाली चीज़ आपको दिखानी है, मतलब वो जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको यहाँ पर जो थर्ड रो है वहाँ पर कितनी स्पेस मिलती है, कितना लेग रूम मिलता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके लिए मुझे सिंपली इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा और ये जो है ये अनफोल्ड हो जाए कुछ इस तरीके से, और सिंपली मैं अंदर बैठता हूँ। अंदर बैठने में मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं आई और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी स्पेस हो जाती है और यहाँ पर दो लोगों को बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसको अनफोल्ड रहने देता हूँ और मैं इस साइड बैठता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, मेरी पांच जो उंगलियां है इतना जो स्पेस है वो बच जाता है इसके थर्ड रो के ऊपर। बहुत सारी सेवन सीटर कारें आपने देखी होंगी जिनके थर्ड रो के ऊपर इतनी अच्छी स्पेसिंग नहीं दी जाती, जैसे कि अल्काज़र होगी। अल्काज़र के मुकाबले ये जो किया की करेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर है, मतलब कम्फर्ट के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी स्पेसिंग मतलब हो जाती है। अगर मैं पैर को आगे करता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से मैं ये पैर रख सकता हूँ, बट इसको अगर मैं अनफोल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको अनफोल्ड कर देता हूँ तो स्टिल मैं अपना ये लेफ्ट वाला पैर यहाँ पर रख सकता हूँ और राइट वाला पैसेंजर भी यहाँ पर पैर रख सकता है आराम से, तो दोनों ही पैसेंजर को इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मतलब एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और बूट स्पेस के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रियर में भी आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, मतलब जो थर्ड पैसेंजर है उनको भी यहाँ पर एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। इसके अलावा पर आपको रीडिंग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर आपको कुछ पढ़ना है रात के समय में तो ये लाइट बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस विंडो के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, तो इसकी जो विजिबिलिटी है काफी बढ़िया है। हालांकि बाहर से दिखने में ये विंडो थोड़ी सी छोटी लगती है, लेकिन अंदर से ये दिखने में मतलब थोड़ा सा बाहर का जो एरिया है वो अच्छा खासा विजिबल हो जाता है, तो ये एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको छोटा सा ट्रे मिल जाता है, स्पेसिंग मिल जाती है रखने के लिए, मोबाइल फोन को चार्जिंग करने के लिए यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी वाला स्मार्टफोन है तो वो कन्वर्टर वगैरह आपको लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मोबाइल फोन को चार्जिंग करने के लिए एक पोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपका और आराम से आप इस कार के अंदर ट्रैवल भी कर सकोगे। अब मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ और अंदर की जितनी भी मतलब डिजिटल चीजें हैं उनको आपको दिखा देता हूँ। इसको एस करना है और आप देख सकते हैं बाहर जाने के लिए इतना सारा स्पेस मुझे मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली बाहर जाता हूँ, ओके इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हालांकि इसके इंटीरियर में आने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक चीज़ है। बाकी फीचर के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से आपको कार को स्टार्ट करना पड़ेगा, इस वाले की को आपको यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, हाथ से नहीं हो जाता, तो ये एक चीज़ है। इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक्चुअली ना मुझे ये वाली स्क्रीन आपको दिखानी थी इसलिए मैंने कार को स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको स्मार्ट प्योर एयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके कंट्रोल से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर मोड वगैरह दिए गए हैं, तो ये छोटी सी स्क्रीन आपको ड्राइवर की सीट के पीछे देखने को मिल जाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ, सिंपली आपको आगे के फीचर्स दिखा देता हूँ। तो ये है ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है। विंडो को अप डाउन करने के लिए कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, लॉक अनलॉक बटन की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है, ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलने वाला है। इसके अलावा साउंड की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है, बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है इसका डैशबोर्ड। ये है कम्प्लीटली इसका डैशबोर्ड, इसका जो डैशबोर्ड है आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से पैटर्न दिए गए हैं, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ ये कार आ जाती है, तो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लगती है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर आपको मिलने वाला है, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन इसके अंदर दिया जाता है, कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, वॉइस कमांड वगैरह आप दे सकते हैं। 7-speed DCT ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है, तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, डैशबोर्ड का जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली नया रखा गया है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है मुझे, और इसके अंदर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी मिलने वाला है, जो कि दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है। और इसके अंदर आपको जगह से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, मैप का फीचर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैप
कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाता है। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारपे का सपोर्ट आपको मिलने ही वाला है और कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर भी इस कार के अंदर दिया जाता है। वॉइस मेमो, अगर आपको वॉइस के थ्रू फीचर्स को कंट्रोल करना है तो आप वॉइस कमांड वगैरह दे सकते हैं, तो ये भी काफी बढ़िया फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो ये सभी फीचर आपको मिलने वाला है किया करेंस के टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर आपको IRVM मिलने वाला है, यहाँ पर इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगा। ओपन कर देता हूँ मैं जिसको। ओके, तो इसके अंदर आपको छोटा सा सनरूफ मिलने वाला है। हालांकि ये MPV कार है तो इसकी वजह से इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, तो इसको मैं सिंपली सनरूफ को क्लोज करता हूँ, मूनरूफ को ऑन ही रख देता हूँ क्योंकि अंदर अच्छी खासी लाइट आ जाएगी जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो यह को ड्राइवर का सीट, आप सीट का लेआउट दे सकते हैं, बॉक्स टाइप की सीट इसके अंदर मिलने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाले हैं। तो ये भी बढ़िया फीचर आपको किया कि करेंस के अंदर ऑफर किया जाता है। और ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल आपको मिलने वाला है और सीट की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है और मुझे बैठने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं लगी। सीट के हिसाब से, बैठने के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से मुझे इस कार के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और यह इसका सेंट्रल कंसोल, यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिलने वाला है। अगर आपका माइक्रो USB वाला स्मार्टफोन है तो इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन इस कार के अंदर बहुत सारे USB टाइप सी के पोर्ट दिए हुए हैं, तो ये एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं। कुछ बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं AC को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर मतलब आपको बटन्स मिलने वाले हैं। DCT ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है, तो DCT का गियर नॉब आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, आप अपना स्मार्टफोन वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये भी बढ़िया फीचर इसके अंदर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा ग्लो बॉक्स में आपको दिखाना भूल गया, ग्लो बॉक्स इतना दिया जाता है, हालांकि कूल्ड ग्लो बॉक्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी खासी डिसेंसी स्पेस इसके अंदर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग आप देख सकते हैं, सिल्वर कलर की फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। AC की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर करी गई है, बहुत सारे केसेस में आपने AC की प्लेसमेंट यहाँ पर देखी होगी, टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम के साइड में देखी होगी, लेकिन किया कि करेंस के अंदर आपको AC की प्लेसमेंट कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सेंटर वाली, और ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपको AC की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। मतलब AC कम्प्लीटली अनविजिबल है, मतलब जिस तरह से मैंने देखा था जैगुआर की कारों के अंदर जो AC रहता है वो कम्प्लीटली अनविजिबल रहता है, सिमिलरली किया कि करेंस के अंदर भी ये चीज करने की कोशिश करी गई है। तो गाइज अभी मेरे साथ एक बहुत ही फनी चीज हो गई, मैंने मतलब रिकॉर्डिंग की तरफ देखा तो रिकॉर्डिंग मुझे पॉज लगा, हालांकि मुझे एक कॉल आया था उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो रिकॉर्डिंग भी पॉज हो गई, और मैं डर गया कि इतना सारा शूट किया वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। मैंने गैलरी में चेक किया, सब कुछ शूट हो चुका था, अगर नहीं होता तो फिर से सब कुछ शूट करना पड़ता, तो मतलब डबल मेहनत चली जाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पर्सनली मुझे एक कार बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जिस तरह से इसके अंदर डिज़ाइन है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, किया करेंगे एक्सटीरियर में कम्प्लीटली नया लुक आपको मिलने वाला है, इंटीरियर में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाएगी, डिज़ाइन पैटर्न कम्प्लीटली नया है। इसके अंदर आपको कम्फर्टेबल सीट्स मिलने वाले हैं, स्पेसिंग अच्छी खासी मिलने वाली है, लेगरूम अच्छा खासा मिलने वाला है, हेडरूम भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। यहाँ पर पैसेंजर को बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, लॉन्ग जर्नी के लिए आपको डेफिनेटली ये कार बहुत ज़्यादा कम्फर्ट देने वाली है। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, मतलब एडवांस लेवल के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। हालांकि ये जो मॉडल मैंने आपको दिखाया है ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लग्जरी प्लस 7-speed DCT ट्रांसमिशन के साथ ये मॉडल आ जाता है डीजल इंजन के साथ। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 15-16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे सकती है, अगर आप तो मतलब माइलेज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 15 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस डीजल इंजन के साथ। लेकिन कार तो अच्छी खासी है, इसकी जो कीमत रहेगी वो कल रिवील होने वाली है, मतलब इसको ऑफिशियली इंडियन मार्केट में कल लॉन्च किया जाएगा, इसकी प्राइसिंग वगैरह कल तो आ जाएगी, ये वीडियो में आज ही डालूंगा, व्यूज भी तो आनी चाहिए ना, तो कल अलग से वीडियो बना दूंगा इसके प्राइसिंग के ऊपर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। हालांकि इस शोरूम में मैं 2 साल के बाद आया हूँ, सबसे पहले इस शोरूम में मैंने वीडियो बनाया था 2 साल पहले किया सेल्टोस का, उसके बाद यहाँ पर किया करेंस का वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ। अगर आपको किया की किसी भी कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खुशी कार को विजिट कर सकते हैं, किया का ये बहुत बड़ा शोरूम है नासिक में, सभी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट, थैंक यू सो मच।